हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट डाइट 27 में। मैं परी सिंह आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास लेके आई हूँ। बायोलॉजी की क्लास में इससे पहले हम कोशिका का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक क्लास में नहीं, सिर्फ आज एक क्लास में नहीं, इसको 3-4 क्लासेस में कवरअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखें तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों तथा जल की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थों में विघटित करना पाचन कहलाता है। पाचन के निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। कौन कौन से 5 चरण होते हैं देखते हैं। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा है भोजन का पाचन, तीसरा है भोजन का अवशोषण, चौथा है भोजन का स्वांगीकरण और पांचवा है भोजन का निष्कासन। तो ये तो हैं पाचन के 5 चरण हैं पाचन के। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें स्टूडेंट्स, जो पाचन जो डाइजेशन है वो हमारा मुखगुहा से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो लार है, लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, और पाचन जो एंजाइम से शुरू होता है, एंजाइम्स के द्वारा होता है। जो पाचन की जो पूरी प्रोसेस है वो एंजाइम्स के थ्रू ही होता है। तो आगे हम देखेंगे कि लार में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, और किस एंजाइम कौन सा एंजाइम किस चीज़ का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, वसा का पाचन किस में होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं आगे। पहला है भोजन का अंतःग्रहण। भोजन को मुख गुहा के अंदर धारण करना भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं भोजन का पाचन, ठीक है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक होती हैं। जिह्वा तथा दांत मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन करने में सहायक होते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, या सॉरी 4 जोड़ी, वहाँ 3 जोड़ी ही क्या बोलते हैं लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखते हैं, फर्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, यह जिह्वा मूल के दोनों तरफ पाई जाती है। सेकंड है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, यह निचले जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती है। और तीसरा है क्रोटिड ग्लैंड, यह दोनों कान के पास स्थित होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं मुख गुहा के लार में टाइलिन, एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है, जो मुख गुहा के लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन लिख देगा, एमाइलेज और दो बाकी के और लिख देगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें से सही है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपको अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दे रखा है, चाहे टाइलिन हो, एमाइलेज हो या लाइसोजाइम हो, तो वो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखिए, मैंने जैसे कि अभी आपको शुरुआत में बताया था कि देखेंगे कि कौन सा एंजाइम क्या पाचन करता है, ठीक है, किस चीज़ का वसा का पाचन कौन करता है। तो मैंने बोला था, तो देखो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि जो टाइलिन है वो किसका पाचन कर रहा है। जो टाइलिन है वो, टाइलिन एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं जो लेके आई हूँ, ये जो है ये सारे आप लोगों के लिए नए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसके अलावा और कहीं से नहीं बनता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने सारे जो PDF अपने प्रमो आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, उसमें ना बहुत इजी तरीके से लिखा हुआ है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं।
भोज्य पदार्थों के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने में लाइसोजाइम एंजाइम कार्य करता है। सपोज हमने कुछ भी खा लिया, ठीक है, और हमने कुछ डस्ट खा ली खाने के साथ, कभी कभी डस्ट चली जाती है, हम रेगुलर डस्ट नहीं खाते, पर जैसे अब तो कोरोना वायरस से तो कोई बाहर खाना नहीं खा रहा है, लेकिन हम बाहर खाते हैं, ठीक है, स्ट्रीट पे लोग खाते हैं, सड़कों पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं, तो उसके साथ जो भी गंदगी जाती है खाने के साथ, तो वो जो जो जीवाणु होते हैं ना, वो मुख में ही ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं वहीं पे। तो उनको जो मारता है ना, वो लाइसोजाइम मारता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुख गुहा में अल्प मात्रा में पारा और मरकरी भी पाया जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्वेश्चन बन के ऐसे भी आ सकता है कि मुख गुहा में अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है, पारा मरकरी, ठीक है, मरकरी, और फिर अलग से दे दिया पारा, तो और फिर बोल दे उपयुक्त सभी, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो पारा और मरकरी दोनों पाए जाते हैं मुख गुहा में, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ गया दांत। दांत मनुष्य में दांत यांत्रिक पाचन में सहायक होता है। दांत का सबसे बाहरी आवरण इनेमल कहलाता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल के नीचे कैल्शियम का एक परत पाई जाती है, कैल्शियम की एक परत पाई जाती है, जैसे डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन के नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है। मज्जा गुहा में रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के दांत की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, या मनुष्य के दांत की विशेषताएं दे रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, विषमी विषम दंती, ठीक है, विषम दंती को देखते हैं। मनुष्य एक विषम दंती प्राणी होता है। मानव के मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के सभी दांत एक समान नहीं पाए जाते हैं। मानव के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, देखिए, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और पश्चचवर्णक, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अगर दांतों के पूछे कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव शरीर में, ठीक है, मानव के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रहे। नोट डाउन करते चलिए स्टूडेंट, साथ के साथ नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। नोट डाउन करने से क्या होता है ना, चीज़ें याद रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं, कृंतक, कृंतक देखते हैं, ठीक है। कृंतक में क्या है, कृंतक को देखते हैं, कृंतक मतलब इंसीजर को देखते हैं। इंसीजर में क्या है, मनुष्य के जबड़े में आगे 4 दांत कृंतक कहलाते हैं। मतलब जो आगे के 4 दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं। कृंतक शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। हाथी के आगे निकले हुए दांत कृंतक दांत होते हैं। चूहे के आगे के दांत जीवन प्रयत्न बढ़ते रहते हैं। अब क्या है कि चूहे के जो दांत होते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर चूहा कुतरेगा नहीं, दांतों से अगर वो कुतरना बंद कर देगा, तो उसके दांत क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, चूहे के दांत लंबे हो जाएंगे। अब तो इसलिए चूहे की प्रवृत्ति है कि चूहा हर चीज़ को कुतरता है, ठीक है। आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि चूहा हर चीज़ को क्यों कुतरता है। तो चूहा इसलिए ही कुतरता है क्योंकि उसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, कुतरने से उसके दांत बढ़ते नहीं हैं, ठीक है। रदनक देखते हैं, रदनक में क्या है, प्रत्येक जबड़े यानी कैनाइन, प्रत्येक जबड़े में कृंतक के बगल में पाए जाने वाले एक नुकीले दांत को रदनक कहते हैं। यह मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होता है। अग्रचवर्णक देखते हैं, यह रदनक के बगल में पाया जाता है। दो यह भोज्य पदार्थों को चबाने, दो होते हैं, यह भोज्य पदार्थों को चबाने का कार्य करता है, ठीक है। पश्चचवर्णक देखते हैं, पश्चचवर्णक में क्या है, प्रत्येक जबड़े के पीछे 3 दांत पश्चचवर्णक कहलाते हैं। यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। आगे स्टूडेंट दांत का सूत्र दे रखा है, ठीक है। दांत का सूत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंसीजर दे रखे हैं, टू टू सीजर दे रखे हैं, प्री मोलर दे रखे हैं, और मोलर 8 × 2 यानी 16, और 16 का दुगना होता है 32। तो हमारे जो टोटल दांत हैं वो हैं हमारे 32, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट्स ये तो थी दांत तक की बात। आगे कल हम अगली क्लास में जिह्वा को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर ऑसोफेगस यानी ग्रास नली को कंप्लीट करेंगे, और आगे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कवर अप की हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से शुरू करेंगे जिह्वा से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।